Morning students, Amasha Gautam, your English teacher. Today we are going to start the third topic of second semester in English grammar that is adverb. So, first find out what is verb. A verb is a word or a combination of words that indicates action or a state of being or condition. Verb is a word ho sakta. बहुत सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है जो इंडिकेट करता है एक्शन को स्टेट ऑफ बींग को कंडीशन को अ वर्ब इज सब्जेक्ट परफॉर्म्स वर्ब एक सेंटेंस का पार्ट होता है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या करता है फॉर एग्जाम्पल राहुल वॉक्स इन द मॉर्निंग राहुल मॉर्निंग में वॉक करता है तो यहाँ हमें वर्ब ने ही तो बताया कि वो करता क्या है मॉर्निंग में वॉक करता है क्लियर सेकेंड एग्जाम्पल अनु इज अ गुड गर्ल अनु गर्ल है कैसी है गुड गर्ल है तो इसने ही तो बताया कि वो गुड गर्ल है तो जो वर्ब होती है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट को परफॉर्म क्या कर रहा है सब्जेक्ट वो हमें इंडिकेट करता है क्लियर सो लेट्स कंटिन्यू नाउ विद एडवर्ब्स Adverbs are words that tell us more about verb. Adverbs word होते हैं जो हमें verb के बारे में और ज्यादा बताते हैं They tell us when, where और how the action of a verb takes place. कब कहाँ और कैसे verb ने किसी sentence में place लिया है वो हमें adverb के through पता चलता है Clear? So let's take a first example. निंग फास्ट वो भागता है कैसे बहुत तेज तो ये रनिंग यह तो यहाँ वर्ब है कि वो भाग रहा है रनिंग कर रहा है लेकिन कैसे दौड़ता है फास्ट तो फास्ट यहाँ एडवर्ब है उसने वर्क को एनहेंस किया वर्ब की क्वालिटी और बढ़ा दी हमने आपको पहले बताया था कि जो एडवर्ब है वो वर्ब के बारे में और बताता है तो यहाँ रनिंग वर्ब है और फास्ट एडवर्ब है लेट्स टेक एग्जाम्पल अंजली वर्क्स हार्ड अंजलि वर्क करती है काम करती है कैसा करती है हार्ड एक डिफिकल्ट हार्ड वर्क करती है अंज्ञी. तो यहाँ हार्ड क्या है एडवर्ब है और जिसने वर्ब की क्वालिटी को इनहेंस किया या और डिस्क्राइब किया थिंक अबाउट इट केयरफुली सोचो ये अच्छे से तो यहाँ थिंक यह वर्ब है और उसके केयरफुली क्या है एडवर्ब उसने कहा जो भी आप सोच रहे हो उसे अच्छे से सोचो केयरफुली सोचो क्लियर नाउ टाइप्स ऑफ Adverbs. So first type is adverb of time. Adverb of of time. time tells us एडवस्ट hai एटवर्व ऑफ टाइम एटवेगन hua बताता है, कि कब कुछ जो हुआ होता है sentence में काम कब हुआ होता है तो वो टाइम को शो करता है सेंटेंस में एडवर्ब सच एज टूडेडेटर टेल एस वेन जो ये वर्ड्स हैं टुडे यस्टरडे सून नाउ लेटर ये सब वैन को शो करते हैं जब कोई काम होता है तो हम पूछते हैं कब हुआ वैन दे हैपन वो काम कब हुआ तो जब वैन क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है टाइम के अकॉर्डिंग तो एट वो टाइम हमें टाइम बताता है उस सेंटेंस में किस टाइम पे वो काम हुआ था लाइक वी मस्ट लीव नाउ हमें अब चले जाना चाहिए तो यहाँ नाउ क्या है यहाँ टाइम को तो बता रहा है कि हमें अब चले जाना चाहिए यहाँ से क्लियर सेकेंड एग्जाम्पल आई विल कॉल यू टुडे मैं तुम्हें कॉल करूंगा आज तो यहाँ आज क्या है टाइम को तो शो कर रहा है कि मैं कॉल करूंगा कब करूंगा आज करूंगा तो आज टुडे किसको शो कर रहा है एडवर्क ऑफ टाइम को सो हेयर इज एन एक्सरसाइज डू इट बाय योरसेल्फ टाइप सेकेंड एडवर्क ऑफ प्लेस एडवर्क ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर समथिंग हैपन एडवर्क ऑफ प्लेस बताता है कहाँ सेंटेंस में हैप्पन हुआ क्या happened हुआ कहाँ उस जगह के बारे में हमें एडवर्ब प्लेस बताता है वर्ड सच एज हेयर देयर नियर टेल्स अस वेयर जो ये वर्ड्स हैं हेयर देयर नियर ये हमें जगह के बारे में इंडिकेट करते हैं लेट्स टेक एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल इज द घोस्ट टुक हिम आउटसाइड जो घोस्ट था भूत उसे बाहर ले गया तो आउटसाइड क्या है ये जगह को ही तो बता रहा है इन साइड आउटसाइड को ही तो शो करते हैं तो एट वो प्लेस में हम प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं यहां आ रहे हैं तो हेयर हेयर क्या है यहाँ पे अगेन एडव प्लेस क्लियर सो हेयर इज अक्सरसाइज डू इट बाई योर सेल्फ थर्ड एडव

तो ये हमें मैनर का शो करते हैं जब हाउ के में पूछा जाता है कैसे तो हमें एडवा मैनर के बारे में इंडिकेट करता है टेक अस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुली वो फ्लूट यानी कि बांसुरी को बजाता है कैसे बजाता है ब्यूटीफुली बहुत प्यार से वो अच्छी तरह से तो ये मैनर को शो कर रहा है उसका बजाना सेकेंड एग्जाम्पल शी रीड्स द लेटर केयरफुली वह लेटर को पढ़ती है केयरफुली पढ़ती है तो यहाँ उसका मैनर भी बताया है कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ती बहुत आराम से अच्छे से केयरफुली पढ़ती है रिमेंबर वन थिंग वी यूजुअली एड एल वाई टू एन एडजेक्टिव टू मेक एडवर्ब्स ऑफ मैनर हम यूजुअली एल वाई एड करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में बट नॉट ऑलवेज ओके इज एन एक्सरसाइज डू इट बायोर सेल्फ I hope you have understood adverbs well now. For better understanding, keep practicing. Thank you.